नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल हेल्पिंग हाउसवाइफ में स्वागत करती हूँ। चलिए, हर बार यही सब्जी बनाएंगे, पुरानी सब्जी बनाना ही भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी लगेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रखी और उसमें एक चम्मच देसी घी डाला। अब इसमें हम दो चम्मच बेसन डालेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। गैस सिम करके फिर अच्छे से धीमी आंच पे भूनेंगे इसको, जब तक ये अच्छे से इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे बेसन भून रहा है। ये मेरा सीक्रेट है, मैं इसको बाद में बताऊंगी कि मैं इसको कब यूज करूंगी। जल्दी से भूनते हैं 5 मिनट तक। फ्रेंड्स, अब 5 मिनट हो चुके हैं, मेरा ये बेसन भुन चुका है। बहुत अच्छी मजेदार यहाँ पे खुशबू आ रही है। ये अब हम इसको निकाल के रख लेते हैं। अब दूसरी कढ़ाई चढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने दोबारा से कढ़ाई रख दी है और उसमें डाला है 2 चम्मच तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तेल गरम होने देंगे, पकने देंगे ताकि इसमें स्मेल निकल जाए इसकी। देखिए अब ये तेल पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी चौथाई चम्मच मेथी, तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। हम इसको फ्राई करें। चलिए ये भुन चुका है हमारा मसाला। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च, जिससे अच्छा सा इसका कलर आ जाए। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। डालेंगे टमाटर जो हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं। मैंने टमाटर को चॉपर में कटिंग की है। टमाटर की आप चाहें तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं मिक्सी में, या कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉपर में कट के डाला है। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। आप अगर घी कस भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। मैं अपने चैनल पे यही बताती हूँ कि जैसे सुविधा के अनुसार अपना खाना बनाना। ये तो सभी बताते हैं अपने चैनल पे, ये बनाओ, इतना टेस्टी बनाओ, बहुत अच्छा बनेगा, मेरे से अच्छा टेस्टी कोई नहीं बना सकता। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये बताती हूँ कम से कम सामान में अपने किचन में कैसे स्वादिष्ट खाना बनाए। चलिए टमाटर पक रहे हैं, इतने हम आलू छील लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच। अब मसालों को भी थोड़ी देर हम पकने देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए हमारा मसाला अब पक चुका है।
अच्छे से कलर आ चुका है इसमें। एक्चुअली मैं मसाला डालते हुए इधर उधर मसाला थोड़ा सा डल जाता है, क्योंकि मैं अपने एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, मैंने उसी से मैं वीडियो बना रही हूँ, और दूसरे हाथ से मसाले डालती हूँ तो थोड़ा कभी करछी के ऊपर गिर जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। आलू हम पीस कर नहीं डालेंगे, इस तरह से हाथ से फोड़ कर डालेंगे, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमने अब इसमें आलू अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम इसे स्टेज पे पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से सारा मसाला आलू में मिल जाएगा। करीब एक गिलास मैंने पानी डाला है। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा भी आपके काम की है या थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, आप जरूर बना के देखिएगा। अगर आपको जरा भी सब्जी टेस्टी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि सब्जी कैसी बनी है, मुझे आपका वेट रहेगा। इसको हम अच्छे से उबलने देंगे 5 मिनट तक। देखिए जितनी देर सब्जी में उबाल आ रहा है उतनी देर में हम ये अपना बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। वो बेसन है जो हमने सबसे शुरू में स्टार्टिंग में भुना था, 2 चम्मच बेसन। अब इसमें हम पानी डाल के इसको घोल तैयार कर लेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बेसन का घोल हमने तैयार कर लिया है, अब हमारी सब्जी में उबाल आ गया है अच्छे से, 5 मिनट हो गए हैं हमारी सब्जी को उबलते उबलते। अब हम इसमें बेसन का घोल डाल देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे हम और इसको 10 मिनट तक और मंदी आंच पे हम पकने देंगे जिससे इसका टेस्ट और बेहतर हो जाए। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। आपको इतनी टेस्टी लगेगी ना ये सब्जी, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा, आप बना के देखिएगा प्लीज, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स बन गई ना लाजवाब सब्जी तैयार है, इतनी टेस्टी सब्जी। इसमें हम थोड़े से आलू मोटे रखेंगे, थोड़े से बारीक बारीक रखेंगे। जो थोड़े थोड़े मोटे आलू का होता है ना इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। अब इसे स्टेज पे 10 मिनट उबलने के बाद, बेसन डालने के 10 मिनट के बाद फिर आप इसमें चाहे तो 1/4 चम्मच आधा चम्मच जितनी भी आपकी सब्जी की क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप इसमें खटाई ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड्स